बहुत से लोग TVS राइडर 125 को पसंद तो करते हैं, लेकिन शायद वो ये सोचते हैं कि इस बाइक में किक नहीं है, और कभी अगर उनकी जैसे बैटरी डाउन हो जाएगी तो वो कैसे इस बाइक को स्टार्ट करेंगे, इसको लेकर बहुत से लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ये बाइक कितना आसानी से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि काफ़ी खुशी की बात है कि हमारे अंकित वर्मा भाई ने या आशीष वर्मा भाई ने इस बाइक को ख़रीद लिया है, और अब आपको इस बाइक की माइलेज टेस्टिंग की वीडियो जल्द ही देखने को मिलेगी। जैसे मैं इको मोड में टेस्ट करूँगा और पावर मोड, मतलब दोनों मोड में मैं इसकी माइलेज टेस्ट करके आप लोगों को दिखाऊंगा। उसके अलावा परफॉर्मेंस की वीडियो, हर चीज़ की वीडियो आएगी, नाइट टेस्ट की वीडियो, मतलब हर चीज़ की वीडियो आएगी जिसमें रोड भी हमारा होगा और पेट्रोल भी हमारा होगा। ये ना आप सोचें कि TVS कंपनी ने दिया है, तो अब इसकी भी वीडियो आएगी। तो अब आते हैं सीधा मुद्दे पर कि बाइक को स्टार्ट कैसे करेंगे। और दोस्तों, अगर कोई आवाज़ फालतू की आ रही है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये बाइक न्यूट्रल है, और ये दूसरा और ये तीसरा गियर मैंने डाला है। एक बार मैं आपको तीसरे गियर में दिखाता हूँ, उसके बाद मैं चौथे में भी दिखाऊंगा। मैं स्विच ऑन करता हूँ बाइक की, और आप देख सकते हैं बाइक स्टार्ट हो चुकी है। मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ, स्टार्ट हो गई है बाइक, और मैं एक बार चौथे गियर में आपको दिखा देता हूँ। चौथे गियर में देखते हैं स्टार्ट होती है कि नहीं होती है। अरे चाबी तो ऑन ही नहीं थी भाई। और आप देख सकते हैं चौथे गियर में बाइक बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो चुकी है। मैं एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा आपको, और आप देख सकते हैं कितना आसानी से स्टार्ट हो रही है। और एक बार मैं पांचवें गियर में टेस्ट कर लूँ, ये आप देख सकते हैं पांचवा गियर लग चुका है, और आप देख सकते हैं कितना आसानी से ये बाइक स्टार्ट हो रही है। मतलब कि आपको धक्का लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से आप इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। स्विच ऑफ और स्विच ऑन, मतलब कि आप बहुत ही आसानी से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। ना विश्वास हो तो एक बार और भी देख लो भाई, स्टार्ट। तो ये बाइक बहुत ही आसानी से स्टार्ट हो सकती है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे मैं आपको स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ तो भैया आप जाके TVS रेडर लो, मेरा ये मकसद नहीं है। बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल यूट्यूब चैनल है ये, जिस पर आपको बाइक से रिलेटेड हर प्रकार की जानकारी मिलती है दोस्तों। और तो दोस्तों, इसीलिए मैंने सोचा कि जैसे बहुत से लोगों के मन में शंकाएं रहती हैं तो उनको दूर किया जाए, मैंने आपको ये दिखाया। और फिलहाल ये बाइक हम लोगों ने खरीदी है, मतलब हमारे दोस्तों ने खरीदी है, तो समझ लो हमने खरीदी है। और आपको सारी चीज़ों की जानकारी इस चैनल पर मिलती रहेगी रेडर से संबंधित। तो अगर आपको अभी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आप अपने इस चैनल को बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद। यहाँ दिखाओ रेडर, और यहाँ एक बार पीछे, बस थैंक यू दोस्तों।